एक ऐसी ही परिकल्पना का जन्म हुआ जिसे हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और सर्जिकल उपकरण बाजार से सस्ती दरों पर जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। और देश के एक कोने से देश के कोने कोने तक जन औषधि केंद्र खुलते गए। जिसमें 743 जिलों में 9177 जन औषधि केंद्र अभी ऑपरेशनल हैं। अप्रैल 2022 से लेके फरवरी 2023, मैं एक साल भी पूरा नहीं हुआ इस पीरियड में, अप्रैल 2022 से लेके फरवरी 2023 तक करीब 6600 करोड़ रुपए की बचत हुई है इस योजना के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप नहीं होते तो ये हमारे भाइयों बहनों का और 6600 करोड़ खर्च होता है।